अम्मा फोन पे तो तूने मुझे चुप करवा दिया था। इतनी भी क्या बेतबारी हो गई थी कि तू ताला लगा कर चली गई? अरे बेतबारी नहीं है, परवाह की है तेरी परवाह। सुबह सो रही थी तो क्या करती मैं, और वैसे भी वो इरफान है ना, डर गई हूं मैं उससे। इसीलिए वो इतना चौड़ा हो रहा था रूही के सामने। क्या क्या मतलब, क्या किया उसने? तू तो घर में बंद थी ना। सांस ले लो अब अम्मा, सांस ले लो। मैं बंद थी लेकिन फोन तो खुला था ना मेरा। बुशरा के नंबर से फोन करके ताना दे रहा था कि तेरी माँ ताले में बंद कर गई। तो क्या जरूरत थी उससे बात करने की? मैंने फोन इसलिए लेकर दिया कि मेरे रास्ते में रहो ना, कि हरे हरे घरे से बात करती फिरो। अम्मा खुदा का खौफ करो, बुशरा का नंबर ना होता तो क्यों उठाती मैं, क्यों करती किसी से बात? तो आवाज सुन के फोन काट देती ना, क्या जरूरत थी सुनने की? खैर कल से अब ना मेरे साथ बंगले पर चल, अच्छा है ना? घर में नहीं रहेगी तो कोई तंग भी नहीं करेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि रूही कहीं जाके काम करेगी, और यहाँ मैं तुझसे ताले की मुसीबत पे बात कर रही हूँ, तू मेरे लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दे। अरे मैडम, हाथ पे हाथ रख के बैठी रहना वहां पर, काम के लिए नहीं लेके जा रही हूँ, तेरी हिफाजत के लिए लेके जा रही हूँ। हाँ यहाँ पर तो सब दरिंदे है ना, वहां पर तो इंसान है, और यहाँ के दरिंदे तो तालों में से भी निकल के खा जाएंगे रूही को। रूही नहीं करेगी किसी के घर का काम। अरे मनोज, कम से कम एक गिलास पानी का ही पूछ ले, माँ थकी आ रही आई है। अरे अल्लाह, मेरे तो नसीब ही खराब है, ऐसी औलाद मिली है मुझे नालायक किस्म की।